वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मेकेनिकल ई लर्निंग। आज आप जो टॉपिक जुवाना छे ए छे वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सीस्टम देट इज VARS। ओके, तो VCRS और VARS में शू डिफरेंस है ये पहला तो समझो पड़े। तो वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सीस्टम की अंदर कम्प्रेसर यूज थत जयरे तब एब्सॉर्प्शन तब जोशो तो क्या कम्प्रेसर यूज थत नहीं। तो पहला कम्पोनट से जो लीए सो स्टार्टिंग विथ ईवोपरेटर। ईवोपरेटर में तमने VCRS याद हो तो अंदर शूँ आत कम्प्रेसर ए वीडियो आप अपलोड करेलो ना हो ना जो हो तो जी लैजो चेनल प्लेलिस्ट में तमने मिली जैसे। तो अँ कम्प्रेसर जगह आटला त्रो यूज थाय कम्पोनट कया कया एब्जॉर्बर जनरेटर एनालाइजर। ओके, आखू काम को करते कम्प्रेसर पची तो वस्तु एनी है कंडेन्सर और एक्सपांसन वाल पची कोई चेन्ज नहीं बराबर। पण जे कम्प्रेसर तू एनी जगह आटलू वर्क आटला कम्पोनट यूज थे तो आपने खबर है ईवोपरेटर में शू आ रेफ्रिजरेंट आ वेपर फॉर्म में। एक पहला एक वस्तु जो लो कि आनी अंदर बे फ्लूड यूज थे एक तमारू रेफ्रिजरेंट एमोनिया NH3 अने वॉटर जो थे एब्जॉर्बंट तरीके यूज थे। हवे शू है फंक्शन शांति जुओ फिगर तमे समझीने ड्रॉ करशो तो अघरी नहीं लगे। ओके, तो वेपर ने गया पार्टिकल क्या जैसे एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में पहले थी ज पानी हसे वॉटर जो हे पहले थी एब्जॉर्बर अंदर शू हे हसे। ओके, जो वेपर जे आवे छे रेफ्रिजरेंट ए शू थशे तो के वॉटर पार्टिकल साथ मिक्स थशे। ओके, अने एनी जे कैपेसिटी हे एब्जॉर्ब करवानी जेटली भी कैपेसिटी हे त्यां सुधी शू करशे एमोनियाने एब्जॉर्ब करशे वॉटर में। जे मेक्सिमम कैपेसिटी थी जैसे पची एब्जॉर्ब थानु शू थशे बंद थशे पची शू करशे पंप ए जे स्ट्रॉंग सॉल्यूशन बन कोनू कोनू तो स्ट्रॉंग सॉल्यूशन बनशे NH3 प्लस H2 मिक्स। ओके, ये जे स्ट्रॉंग सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉंग सॉल्यूशन क्या जैसे जनरेटर नी अंदर ये स्ट्रॉंग सॉल्यूशन क्या जैसे जनरेटर नी अंदर। जनरेटर नी अंदर शू हे तो कि आप हीटिंग कॉइल प्रोवाइड कर दी एक्सटर्नल सोर्स बहार थी आप शू कर हीट आपीशू। हवे हीट आपशो एटले शू थशे आ बने टेम्परेचर वधशे तो NH3 नू जे टेम्परेचर है जे बॉइलिंग पॉइंट है ये केवू छे ओछू छे एटले झड़प थी शू थई जशे वेपर नी अंदर कन्वर्ट थई जशे ज्यारे H2O छे ए कन्वर्ट थशे नहीं। एटले शू थशे तो के NH3 ना जे वेपर ना पार्टिकल्स छे ए अहींया ऊपर कलेक्ट थई जशे अने जे वॉटर छे ए मेल्ट नहीं थाय बराबर। एटले शू थशे तो के नीचेना पोर्शन नी अंदर कलेक्ट थशे पड़े छे खबर। एटले आपणे सेपरेट थई गयुं NH3 ऊपर कलेक्ट थशे कारण के इजीली हीट आपीशू एटले तरत ए वेपर नी अंदर कन्वर्ट थई जशे वॉटर कन्वर्ट नहीं थाय एटले ए लिक्विड फॉर्म नी अंदर त्यानुं त्यां ज रहेशे। ए जे लिक्विड छे ए लिक्विड पाछू पाछू क्यां जशे तमारा एब्जॉर्बर नी अंदर। ओके, आ तमने अहींया सर्किट बताई जाय एनाथी पाछू क्यां जशे एब्जॉर्बर नी अंदर। हवे एनालाइजरनुं काम शू छे तो एनालाइजर में एवुं तो नहीं ज होय के अमुक आनी जोड़े वॉटरना पार्टिकल्स पण वेपर नी अंदर कन्वर्ट थया छे अमुक पर्संट में। तो एनालाइजर शू करशे एने सेपरेट कर देशे कि कोई भी वॉटर पार्टिकल्स कंडेन्सर नी अंदर जई नहीं सके। क्लियर, हवे आमांथी जे गैस निकळशे ऑब्वियस छे आपणे एने हीट कर्युं एटले टेम्परेचर केवुं हशे एनुं वधारे हशे तो टेम्परेचर वधारे होय तो प्रेशर बी केवुं हशे इन्क्रीज थयेलू ज हशे। एज वस्तु आपणे कम्प्रेसर पछी मळती हती कम्प्रेसर पछी शू मळतुं हतुं तो के हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो एज वस्तु आमां बी मळी गयुं। एना पछी छे कंडेन्सर तो कंडेन्सर नी अंदर शू थशे तो जे वेपर फॉर्म हतुं ओके अहींया एंटर थाय छे त्यारे केवुं फॉर्म छे वेपर बहार निकळे छे त्यारे केवुं थई जशे तो के लिक्विड नी अंदर वेपरमांथी शेमां कन्वर्ट थई जशे लिक्विड नी अंदर। पछी तो वस्तु एकनी एक ज थई त्यांथी क्यां जशे एक्सपांसन वाल्व। एक्सपांसन वाल्वमांथी ज्यारे बहार निकळशे त्यारे एनुं प्रेशर केवुं थशे लो प्रेशर अने टेम्परेचर बी शू थशे रिड्यूस थशे अने ए क्यां जशे ईवोपरेटरमां। ईवोपरेटरमां शू थशे कूलिंग इफेक्ट थशे अने जे तमारुं रेफ्रिजरेंट है ये फर्धर पाछू सेमा कन्वर्ट थी जैसे वेपर में। एटले आखी जे साइकल है ये आ रीते तमारी वर्क करशे। तो आ कयुं हतुं तमारुं वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सीस्टम। बेमांथी एक क्वेश्चन खास पूछाय छे VCRS अथवा तो VARS तो खास तमारे जोई लेवुं। जो तमने वीडियो गम्यो होय तो लाइक करजो तमारा फ्रेंड्स साथे अचूकथी शेर करजो अने अमारी चेनल सब्सक्राइब ना करी होय
तो सब्सक्राइब कर लैजो जेथी आवाज विडियो आवाना छे एमने तमने नोटिफिकेशन मळता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।